फ्रेंड्स दोस्तों, मैं विश्वदीप शर्मा फिर आपके समक्ष हूँ जॉब्स ज्ञान से। आज का जो हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि हमने जो भी जॉब्स सेंट्रल लेवल की जॉब्स निकली हुई हैं, स्टेट लेवल की जॉब्स निकली हुई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हमने आपको बताया। आज भी दोस्तों उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जो अलग अलग स्टेट्स की जॉब है, सेंटर की जॉब भी हो जाएगी उसमें, स्टेट्स की जॉब भी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, आप अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए साथ, जिससे आपको पता चले कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी डाटाबेस आप फिल कर सकते हो जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे KPSC ग्रुप, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन जो आई है गवर्नमेंट की, ये 31 जुलाई 2020 को ये पोस्ट ओपन हुई है। मीन्स ये आज अगर हम 1 अगस्त की बात कर रहे हैं तो 31 जुलाई को ये पब्लिश हुई है पोस्ट। ये दोस्तों किन किन के लिए, इसकी सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये टेक्निकल वैकेंसीज हैं। टेक्निकल वैकेंसी जैसे आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों ने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, टेक्निकल कोर्स में अगर मैं बात करूँ जिसमें बीटेक आ जाता है, बीटेक आप सबको पता है कि हमारा टेक्निकल कोर्स है, इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियर की, बीटेक सिविल इंजीनियर इस कोर्स के लिए चाहिए। अगर कोई डिप्लोमा है, आपने देखा होगा कि पॉलिटेक्निकल भी बच्चे कर लेते हैं और उसके बाद जॉब के लिए इधर उधर घूमते हैं, अगर आपने पॉलिटेक्निकल भी किया हुआ है और वो सिविल ट्रेड में किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं बात करूँगा कि इस पोस्ट की क्या चार्जेस हैं, अप्लाई किस तरह होगा, और जो हमारे SC और ST भाई हैं उनके लिए क्या चार्जेस हैं या नहीं है। तो आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाला है दोस्तों क्या वैकेंसीज है, सब चीजें मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप का बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की ये पोस्ट है और इसके जो चार्जेस हैं जनरल कैटेगरी के वो 600 रुपीज है, 600 रुपए है, उसमें आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। नंबर दो, अगर कोई SC और ST कैंडिडेट है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं, उनके लिए टोटली फ्री है, फ्री आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री से रिलेटेड है, 50 रुपीज़ उनके लिए एप्लीकेशन फीस है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए 990 वैकेंसीज हैं कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बीटेक सिविल इंजीनियर आप अप्लाई अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निकल सिविल इंजीनियर से किया हुआ है तो आप वेट मत करें, इस पोस्ट में जल्दी जाकर अप्लाई करें ऑनलाइन। अब इसकी मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये स्टार्ट कब होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई को ये पब्लिश हुई है न्यूज़, और ये न्यूज़ पब्लिश होने के बाद ऑनलाइन आप कब भर सकते हैं, तो 17 अगस्त से 17/8/2020 से आप ये ऑनलाइन भर सकते हैं, और इसका 1 मंथ का लगभग टाइम है, 16/9/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आप ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो है 17 अगस्त 2020, जब ऑनलाइन भर्ती इस पोस्ट के लिए स्टार्ट होगा, और लास्ट जो डेट है वो है 16 सितंबर 2020। तो ये तो दोस्तों पहली पोस्ट थी, 990 पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और बीटेक और पॉलिटेक्निकल अगर कोई व्यक्ति सिविल इंजीनियर है तो वो जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है इस मंथ से, 17 तारीख से। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो भी मैं बात करने वाला हूँ, उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड स्टेट की पोस्ट है, स्टेट लेवल की पोस्ट है। अब इसमें क्या है दोस्तों वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये जो पोस्ट है कब हुई ओपन, 28 अगस्त 2020 को ये पब्लिश हुई, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 142 है। आप इसके लिए जा सकते हैं उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि चार्जेस कितने हैं, अप्लाई करने की फीस कितनी है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो मात्र सिर्फ 300 रुपये में आप ये पोस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट, कोई भाई बंधु हमारा SC और ST कैटेगरी का है और वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है, उसके लिए ये फीस 150 रुपये है, 150 रुपये है, और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये फीस 150 रुपीज़ है। अब बात करूंगा कि ये डेट एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 27-28 को ये एडवर्टाइज हुई, इसके बाद जो भरने का टाइम है ऑनलाइन कब से स्टार्ट है वो दोस्तों 31/7/2020 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। मींस कि वो आप टाइम चल रहा है, आप जल्दी से इस पोस्ट को भरिए और एक अच्छी जॉब के लिए जाए।
अब मैं बात करूंगा दोस्तों किन किन वैकेंसीज के, ये क्लैरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है ये, और क्लैरिकल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 इयर्स। ये क्लैरिकल पोस्ट है, क्लर्क के लिए पोस्ट है, जो डेजिग्नेशन रहेगा वो क्लर्क का रहेगा। तो यह आप ऑनलाइन भर सकते हैं और 142 वैकेंसीज हैं। तो दूसरी मैंने जो आपको पोस्ट बताई है वो उत्तराखंड की बताई है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की। तो अकाउंट क्लर्क की जो डेजिग्नेशन है आप इसके लिए जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसकी लास्ट डेट की, लास्ट डेट दोस्तों 14 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और ऑनलाइन आप कर सकते हैं, आज 1 अगस्त है तो आज से अप्लाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास टाइम है 1 मंथ का। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो है अगली पोस्ट स्टेनोग्राफी की, स्टेनोग्राफी या पर्सनल असिस्टेंट, ये डेजिग्नेशन रहेगा, अगर आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। और ये पोस्ट अगर मैं बात करूं जो जनरल कैटेगरी के मेरे भाई बहन हैं उनके लिए सिर्फ ये 300 रुपये मात्र से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड से अगर बिलोंग करते हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए सिर्फ 150 रुपीज इसके लिए अप्लाई करने की फीस है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये वैकेंसी किन किन के लिए है। ये दोस्तों हमारे जो स्टेनोग्राफर है, किसी ने स्टेनो में कोर्स किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है स्टेनो में वो इसके लिए एलिजिबल है, और इसमें जो एज मिनिमम है वो 18 साल और मैक्सिमम 42 इयर्स। 158 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। तो ये दोस्तों मैंने आज जो बात की आपसे, अभी तक दो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे जो भी है मैंने आपको कही, मैं लास्ट में एक बार दोबारा रिपीट करूँगा ये चीज़। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे हम जाते हैं, वो भी है दोस्तों उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की एक और रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ इसमें भी सेम फीस स्ट्रक्चर रहेगा, 300 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी और एसटी के लिए मात्र 150 रुपीज में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि क्या क्या डेजिग्नेशन है या अप्लाई करने की डेट कब है। दोस्तों इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो एक्सटेंड होती होती बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, और वो आज की अगर मैं बात करूँ तो 28/4/2020 को ये वैकेंसी ओपन हुई थी, लास्ट डेट थी जो इसकी अप्लाई करने की 28/4/2020 थी, लेकिन ये बढ़कर अब सितंबर 2020 में ये रिटर्न एग्जाम है इसका। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अप्लाई करने की डेट है ये वैसे 28/7/2020 थी, लेकिन गवर्नमेंट अभी एक्सटेंड करने जा रही है डेट, और वो फर्दर नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो वो आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की 3 जॉब्स के, जो इम्पोर्टेंट मैंने जॉब्स की बात की, 3 वैकेंसीज की। सबसे पहले मैंने जो बात की आपको वो मैं वन बाय वन एक बार आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात की कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये आप अप्लाई करें अगर कोई मेरा भाई बहन करना चाहता है। 990 वैकेंसी हैं, और जो पोस्ट रहेगी वो अगर आप बीटेक या पॉलिटेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी मैंने बात की सर उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, अगर मैं इसमें बात करूं जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्लैरिकल पोस्ट है, क्लर्क की रिक्वायरमेंट है इनके यहाँ पर, और उसमें 142 पोस्टें हैं, मिनिमम एज एंट्री की 18 साल और मैक्सिमम 42 इयर्स वाला पर्सन अप्लाई कर सकता है। नंबर 3 मैंने बात की स्टेनोग्राफर की, अगर स्टेनोग्राफर है, किसी ने स्टेनो में डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये जो आज हमने बात की है, ये हमने बात की है 3 पोस्टें, ऐसी ही टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब या प्राइवेट जॉब्स भी जो जो कंपनीज में ओपन है, आप मेरे चैनल से जुड़िए और मैक्सिमम इन चीज़ों को शेयर करें, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में किसी पर्सन की हेल्प हो जाए और साथ साथ उसको जॉब मिल जाए, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है जॉब्स ज्ञान के नाम से। अब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो भी अपडेशन होगी टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे, जो रिक्वायरमेंट्स ओपन होती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, प्राइवेट जॉब्स की, वो मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा आपको वीडियो। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी और इसको आप मैक्सिमम शेयर करेंगे, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी किसी वे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।